बोले आपको पता है महाराज कब से इंतजारी कर रहे थे? नहीं मालूम कब से, अब मैं तो चला आ रहा हूँ, निकल ही नहीं पा रहा, लोग पकड़ पकड़ कर ले रहे, मैं बड़ा संकोची प्रकृति का था। अब बड़े मैंने सारी कहानी सुना, रास्ते अरे जाओ दो तीन रुपए कर रहे हो, ठीक है। मैना भाई ने दो तीन दुपट्टा दिए, हम लोगों ने तो अपने शर्ट पेंट वगैरह उतार करके धोती दुपट्टा धारण कर लिया। कितने बजे? रात्रि के 9 बजे। सुबह महाराज बोले केस लॉन्च करोगे कि उस तरह से बाल निकलेंगे? नहीं, केस लॉन्च करूंगा, केस लॉन्च करूंगा। तब तक मैंने सिर्फ में एक या दो बार किसी के केस लॉन्च देखे होंगे, बाकी मैंने केस लॉन्च भी नहीं किए। मतलब ये मालूम था कि केस लॉन्च ऐसे होते हैं। 8 बजे केस लॉन्च शुरू। अब लोगों के जैसे जैसे समाचार, जैसे जैसे बुद्धो 4:52 पर दीक्षा हो गई, सब लोग घर के लोग आए। जिसको जब समाचार मिला, हमारे पापा आ गए, हम रिपोर्ट लिखाऊंगा, मैं तो रिपोर्ट लिखाऊंगा, वो सीधे पुलिस थाने पहुंच गए। अच्छी बात ये थी कि वहां के जो दरोगा जी थे वो धार्मिक थे या विचारशील थे, तो उनको एहसास तो था पहले से, उन्होंने उनको बैठा ला और चाय पिलाई पहले, फिर पूछा कैसे आए हो, उन्होंने सारी बात सुना दी। बोले धन्य है, सौभाग्यशाली है कि आज के लड़के किस दिशा में जा रहे हैं, अरे अच्छे दिशा में गए, तुम्हारा नाम तुम्हारा बड़ी बड़ी, उन्होंने उनसे बात करी। बोले अब और सुनाओ, ठीक है कुछ नहीं सुना, हाथ जोड़ लिए हमने। बुद्धो सोचते रहे। दूसरा दिन आहार निकलने का था। हमारे संघ के सभी महाराजों ने, उस समय जो आचार्य महाराज के संघ के थे, सभी ने आग्रह किया कि तुमको पहला दिन है दीक्षा का, आचार्य श्री के साथ आहार करना है। खुशी की बात, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आचार्य श्री के साथ आहार करने के लिए मिलेगा उनका, ठीक है उन्हीं के साथ जाना उनके, ठीक है। उस समय कमंडल देख महाराज का मुझे दिया गया था, महाराज ने कहा कोई भी साधु जो भी पहले आहार पड़क जाएगा उनका कमंडल तुम मंगा सकते हो। अच्छी बात ये रही कि पहला दिन आचार्य श्री का कमंडल मेरे पास आया था, उन्होंने अपना कमंडल दे दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि किस क्रम से निकलना, नहीं पहले दिन दूसरे महाराज का कमंडल था, तो जैसे ही महाराज आहार के लिए निकले मैं भी तुरंत उनके पीछे निकल गया। सारे मुनि महाराज, आरिका माता जी, सब सुंदर जी वगैरह सब देखा, बोले अरे कल दीक्षा हुई महाराज की, सबसे पहले आहार के लिए निकल गया। हम आहार करके आए, अब बड़ी चर्चा और हंसी सब चल रहा था, तुम्हें संकुचित तो हो रहा था कि कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ गलती हो गई, लेकिन क्या हुई नहीं पता नहीं। हमारे आचार्य से बोले आहार अच्छा हो गया, मैंने कहा अच्छा हो गया, आहार के किस क्रम से निकले, मैंने कहा आपकी बात निकल गया। बोले क्यों, मैंने सभी ने कहा था कि आप आचार्य से के पास जाना है, और अब 5-6 लगभग उस समय 7 पिछियां या 8 पिछियां महाराज के संग में टोट रही थी, तो उनके बाद में निकला था। तो बोले ये सब महाराज लोग रह गए, इनके बाद तुम्हारा नंबर था, इनकी सभी ने कहा था कि आपके महाराज के साथ जाना, मैं कहाँ खोजता आप कहाँ गए, मैं किससे पूछता, मौन रहता उस समय। महाराज का ठीक है, कल से ध्यान रखना जरूर जरूर। खुशी की बात यह है कि हम लोग जितने दिन तक संघ में रहे आचार्य श्री के ही कमरे में शयन करते थे, और आचार्य श्री का घास चटाई नहीं लेते थे, ये जो सुखी
चावल का घास है, प्याला है, उस पर भी सोते थे। उसको उड़ाने का काम मेरा, उनको लेटाना, उड़ा देना ठंडी के मौसम में। और महाराज के कमरे में ही सोते थे। उन्हीं के जितने दिन तक हम लोग आचार्य महाराज के साथ में रहे, केवल महाराज के उपवासों के अलावा जितने भी आहार हुए लगभग लगभग आचार्य श्री के ही साथ आहार। बंधु, एक बार ऐसा प्रसंग आ गया, बिलासपुर के आगे एक अचानक अभयारण्य, अचानक मार्ग है, उसका नाम अभयारण्य है। वहां संघ बिहार कर रहा था, और बिहार करते समय जंगल था पूरा का पूरा, ज्यादा लोग कोई साथ में नहीं थे। एक ब्राह्मण एक कोई लड़का, वो भी साइकिल से चल रहा था, वो रास्ता बताने के लिए, बाकी आगे पीछे। आहार के बाद पानी बरस गया, पानी बरसा तो इसके बाद हमारे चादरे वगैरह गीले हो गए, अपना चादरा फैला है, हवा चल रही थी, सुखा रहा था, चलते चलते। एक और महाराज थे छुल्लक जी, वो भी हमारे आगे चल रहे थे। इतने में पहाड़ी से पांच जंगली भैंसे, जंगली पांच भैंसे वो ऊपर से रोड पर आ गए। अब रोड पर आ गए, हम लोगों में लगभग 50 फीट का अंतर होगा, 50-70-60-70 फीट का अंतर होगा, इतना दूर अंतर होगा। अब वो रोड पर खड़े हो गए। वो जो ब्राह्मण था साइकिल वाला, वो बोले बाबा जी जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ, सब लोग पेड़ पर चढ़ जाओ। महाराज ने बोला, हम तो ये समझ रहे थे कि यहाँ की भैंसे हैं गांव की, वो चर कर रही थी। महाराज ने कुछ नहीं बोला, हमला बोले बोले सब लोग संलिपना व्रत धारण करो, नियम संलिपना ले लो, जब तक अपन सीमा से नहीं निकल जाएंगे। अरे वो कर्म कर्म, मुझे बुला लिया, मैं आगे चल रहा था, चलो सब एक साथ मिल करके चले। हम लोग एक साथ हो गए। अच्छी बात ये रही कि वे लगभग बहुत कम अंतर रह गया था, लेकिन वो कुछ तो ऐसे ऐसे भैंसे हुए और वे दौड़ करके नीचे उतर गए, खेत में उतरे। फिर वे कुछ खड़े बढ़ते, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो चले गए। बंधु, पूज्य आचार्य श्री महाराज की उस समय का धैर्य और उस समय का साहस हम लोगों को ले संकेत, बोले ऐसे हमारे पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य महाराज। जब हम लोगों की मुनि दीक्षा हो गई, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के साथ में, इसके बाद हम लोग करगुआ में मिले, फिर ऊदगांव में मिले। ऊदगांव में हम लोगों का अंतिम मिलन समझ लीजिए। मैंने सुझाव तो आचार्य महाराज को दिया था कि महाराज श्री ऊदगांव पास में है, आप राजस्थान जा रहे हैं, ऊदगांव के दर्शन करके जब आपने आदि सागर जी महाराज के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया और वो भूमि छोड़ करके जा रहे थे, महाराज ने कहा तू चातुर्मास करेगा तो मैं चलूंगा, बोल बोल। और महाराज ने मेरे मुझसे बुलवा लिया, वहां चातुर्मास हुआ। और जब चातुर्मास हुआ, हर तरह से मैंने कहा था गुरुदेव वहां जगह नहीं, महाराज ने कहा हृदय में जगह तो है, हृदय के साथ करो। मैंने कहा महाराज वहां चौके की जगह नहीं है, बोले भूखा कोई नहीं रहेगा। इनकी दो बड़े संघ है, महाराज हमारे उस समय लगभग 42 तिथियां थी, आचार्य महाराज के संघ की भी लगभग 30-32 तिथियां थी, लगभग कुल मिलाकर के 77 तिथियां थी। बंधु, चूंकि आचार्य महाराज ने तो बिल्कुल बोल 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 करके बुलाई लिया, जो चातुर्मास आनंद हमारा आचार्य महाराज के साथ हुआ था, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए नीचे नहीं बैठने दिया। आचार्य विमल, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के हृदय की विशालता देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसा सौभाग्य किसी को मिला होगा। हमारे आचार्य महाराज ने कहा मेरे एक ही पाटे पर, उनकी जो पिलाई पर बैठते थे,
रोज उसको ऐसा कर लेते थे, जब से नहीं गया तब से वो खुली चलाई जाती थी, एक पर एक ही पाटी पर दोनों बैठी थी। मैंने आखिर में आपसे कहा कि गुरुदेव इससे तो मुझे कर्म का बल होगा, मैं आपकी विनय नहीं हो पाएगी, आपका सम्मान नहीं होगा और आपकी सिलाई पर मैं पैर रखूंगा। इन्हें बड़ा दुख की हमारी अच्छी बात नहीं समझ में आ रही, और हम ऐसा करेंगे तो हमारे दूसरे शिष्य वगैरह भी ऐसा ही बराबरी करेंगे, वो भी विनय मर्यादा नहीं रखेंगे। महाराज जी मेरी आज्ञा है, आदेश बैठ गया। गुरुदेव